वीर जी भरिया लिया आपने? हाँ जी हाँ जी। तो कितने जा रहे हो? पंजाब? पंजाब लुधियाना जा रहे हैं। ये मिर्च का सिस्टम समझ नहीं आया सर, ये देखो ये आधी मिर्च दे रखी है, ये सिस्टम क्या? तो आ रहा है तो ये गलत काम क्यों कर रहे हो आप लोग यार? ये अगर किसी की अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या करोगे आप लोग यार? तो अगर जहर आ रहा है तो जहर तो ना बेचोगे? दोस्तों ये चंबल नदी है जो काफी पहले कुख्यात थी डाकुओं से, लेकिन अब देखिए कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आपको। दोस्तों एक नई प्यारी सी यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ फिलहाल अभी कोटा में, यहाँ से आज हमारी जर्नी है न्यू दिल्ली के लिए। और ट्रेन है अपनी काफी फेमस और काफी डिमांडेबल ट्रेन है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा 19803। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, कोटा जो है काफी फेमस है, स्टूडेंट की पहली पसंद बनता जा रहा है। भैया आप लोग स्टूडेंट हो? यस सर। तो कहाँ से हो आप लोग? भरतपुर से। तो कोटा में भैया क्या क्या इंस्टीट्यूट, क्या क्या फेमस है? इंजीनियरिंग की तो फेमस है, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, बहुत सारी कॉलेज है। दोस्तों 3:30 बज चुके हैं, 4:30 बजे हमारी ट्रेन है यानी 4:30, और अभी देख लेते हैं फटाफट से चलते हैं अभी स्टेशन के अंदर। बाकी दोस्तों ट्रेन अपनी आ चुकी है यहाँ पर, ये अपना आज का जनरल डब्बा। तो दोस्तों अगर सीटों की बात करें तो कंफर्टेबल सीट है यहाँ पर, फैन वगैरह प्रॉपर आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ में सॉकेट चार्जर है वो सब मिल जाता है। बाकी ट्रेन जो है अभी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जस्ट अभी ये ऐसा लगता है कि धुली हुई आई है। बाकी देखो दोस्तों यहाँ पर अभी गर्मी का मौसम आ गया है तो बर्फ़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो बर्फ़ यहाँ पर भी पानी ठंडा करने के लिए पानी। और दोस्तों कोटा जंक्शन से ट्रेन हमारी राइट टाइम यानी 2:02 की देरी से 4:35 का टाइम है, 4:37 पे यहाँ से, 4:28 पे यहाँ से निकली है कोटा। आराम से भैया, आराम से है ना भैया? हाँ। दोस्तों ये चंबल नदी है जो काफ़ी पहले कुख्यात थी डाकुओं से, लेकिन अब देखिए कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा आपको। और कितनी विशाल नदी है ये चंबल नदी है, क्या जबरदस्त नज़ारा है। तो दोस्तों देख लेते हैं इस ट्रेन का शेड्यूल और कहां कहां से चलती है। कोटा जंक्शन से चलती है 4:35 पे, उसके बाद पहुंचती है सवाई माधोपुर 6:45 लगभग, और उसके बाद जाती है बयाना 7:33 पर, भरतपुर 8:00, और फरीदाबाद 10:30 यानी 10:25 पर, नई दिल्ली पहुँचाती है 11:15 पर। तो ये दोस्तों उसका शेड्यूल एंड टाइमिंग है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके फेयर के बारे में, तो जनरल टिकट का जो टिकट है वो 155 लगता है, और वंस अ वीक यानी सैटरडे में सिर्फ ये चलती है। बाकी कुछ जो दोस्त यहाँ पर चढ़े हैं ट्रेन में, और भैया कहाँ कहाँ से हो आप, कहाँ कहाँ जा रहे हो ये बताइए। हम यहाँ बूंदी से हैं और यहाँ इंद्रगढ़ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी ना कुछ इश्यू हो गया है ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी का, उसी को ये लोग चेक करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, अभी चेक कर रहे हैं यहाँ पर ये। दोस्तों बाकी 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंची अपने पहले हॉल्ट पे,
जो है इंद्रगढ़ी। और ये देखो नज़ारा यार, बाकी लोग जो है काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे हुई है, काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़े हैं और अभी डिपार्चर ट्रेन का हो गया है। ये देखो यार ट्रेन में ना ये क्या बिक क्या रहा है, मतलब माजा की जगह मैंगो बिक रहा है। और दोस्तों इन्हीं चीज़ों को पी के जो है ना हमारा जो स्वास्थ्य है, जो लोगों की तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। तो यार ये क्यों बिक रहे हो भैया आप लोग यार, तो आ रहा है तो ये गलत काम क्यों कर रहे हो आप लोग यार। ये अगर किसी की अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तो क्या करोगे आप लोग यार, अगर जहर आ रहा है तो जहर तो ना बेचोगे। नहीं नहीं सर, ये तो मिलना होगा हम, ये गलत है ना ये। अब ये रेलवे तो कभी नहीं बोलता इसको बेचने के लिए। नहीं सर जी, जो स्टेशन तो ले रहा हूँ तो हम बेच रहे हैं। ये ना तो स्टेशन में मिलता है ये। नहीं सर जी स्टेशन लिया मैं। ये तो जैसे गलत पानी होता है ना पीने का, रेल नीर की जगह कुछ और बेचा जाता है। नहीं रेल नीर ऐसी ऐसे ही ये बिका जाता है, ऐसा मत किया करो। बिल्कुल सर। देखो यार दोस्तों मतलब हद हो गई, कितने का दे रहे हो ये? 40 रुपये का सर। बताइए। तो दोस्तों देखो यार धड़ल्ले से जो है ना गलत चीज़ें हो रही हैं ट्रेन में, जो है मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप जो है इस तरह का कुछ भी ना लिए खाए पिए, क्योंकि ये आपकी सेहत से खिलवाड़ है। देखो भैया ने भी यहाँ पे दूध लिया था, वो भैया ने दूध ही फेंक दिया। पिया था भैया टेस्ट? अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। पिया था थोड़ा सा? थोड़ा सा पिया। शेर आपने देखे हैं कभी? शेर तो नहीं देखे, बाकी कल तो देखे हैं ऐसे टीवी पे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं मौका नहीं मिला? भालू तो देखे हैं, हरन तो देखी, मगर सब देखे हैं। शेर भी सब देखा है। दोस्तों कोटा हज़रत निज़ामुद्दीन जाती हुई 12059 और दोस्तों सवाई माधोपुर शेरों के राज्य में पहुंच चुके हैं हम। और बाकी जो स्टेशन का नज़ारा आपको दिखाएंगे, काफ़ी वर्ल्ड में फेमस है। बाकी दोस्तों सवाई माधोपुर स्टेशन 107 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है श्री माता वैष्णो देवी, आप देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बताऊँ कि सवाई माधोपुर जो स्टेशन है ये रणथंभौर के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व सेंटर बहुत बड़ा मिल जाएगा। राजस्थान जो है चटपटों का शहर है, यहाँ पे पकौड़ी, मिर्च के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी ट्रेन यार हमारी चल चुकी है। देखिए दोस्तों भैया ये जो मिर्च आपने लगा रखी है आधी मिर्च लगा रखी है? आधी भी है सर, पूरी भी है। अच्छा नहीं ये देख रहा हूँ मैं आधी मिर्च लगा रखी है, तो ये चलता फैशन ही भैया यहाँ का? नहीं चल जाता सर। अच्छा मतलब ये महंगाई हो रही है इसलिए कर रखा है क्या आपने? क्यों भैया? बड़ी है इसलिए कर रखा सर। नहीं तो महंगाई की वजह से तो नहीं कर रखा है कि चलो ये क्यों? पाजी पाजी भी चल रहे हैं हमारे साथ। पाजी कितने जा रहे हो? पंजाब जा रहे हैं सर। पंजाब? बाकी भाई बीजी भी आज जा रहे हैं, तो बीजी भजिया लिया आपने? हाँ जी हाँ जी। तो कितने जा रहे हो? पंजाब? पंजाब लुधियाने जा रहे हैं। और कहाँ से रहे हो? ये अपने कोटा से। अच्छा अच्छा, देखो टेस्ट करके देखो कैसी है भजिया, लाइट में आके देखो। आप भी कर लो। नहीं नहीं लाइट में आके करो सर, टेस्ट करो।
कैसी है ये मिर्च का सिस्टम समझ नहीं आया सर। ये देखो ये आधी मिर्च दे रखी है, ये सिस्टम क्या है, ये कैसी लग रही है? नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है, देखो वो नहीं है, स्वाद नहीं है, जब पंजाब का तो स्वाद होता है। हाँ, वो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेन ने 215 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पहुँची है इंदौर सिटी। और भाई यहाँ पर ना भजिया वाले बहुत हैं, आपको कुछ मिले ना मिले लेकिन भजिया वाले आपको यहाँ पर खाने के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी ट्रेन का जो टाइम है 2 मिनट का स्टॉपेज का टाइम है, उसके बाद ट्रेन यहाँ से रवाना होगी और ट्रेन लगभग आधे घंटे की देरी से चलती हुई। और दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं धार्मिक नगरी मथुरा में, कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में। और यहाँ पर जो दोस्तों अगर बात करें स्टेशन की, लगभग 9 प्लेटफॉर्म का आपको ये स्टेशन मिल जाएगा। यहाँ से रोज ही 15 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं, 15 ट्रेन यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं। दोस्तों मैं बताऊँ, मथुरा जो है काफ़ी फेमस है अपनी कचौड़ी और सुबह के नाश्ते के लिए। तो कभी भी अगर मथुरा आते हैं, खासकर जो उनके पेड़े हैं वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, खासकर ब्रिजवासी के जो पेड़े हैं। बाकी यार ये देख लीजिए, यहाँ पर कचौड़ी और नाश्ता यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। मथुरा जंक्शन पेड़ों और धार्मिक नगरी का शहर। फाइनली दोस्तों दिल्ली में एंट्री हो चुके हैं गाड़ी अपनी, और ये कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल कहा जाता है। ये देखिए ये है अपना कनॉट प्लेस, रात का मौसम देखिए। फाइनली दिल्ली पहुंच गए, ट्रेन ने हमें राइट टाइम से नई दिल्ली छोड़ दिया है 11:15 पर। और दोस्तों आज की जो जर्नी का रिव्यू करा जाए तो जर्नी हमारी बहुत ही शानदार रही और काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला। कोटा में बेसिकली जो एरिया था, जो नेचर से काफ़ी रूबरू होने का मौका मिला। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, अगर ब्लॉग दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ में कमेंट ज़रूर करके ज़रूर बताना। और एक नए ब्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।